हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिल्क टोस्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके लिए हमें चाहिए दूध और कुछ ब्रेड और चीनी। अब हम गैस पर एक बड़ी कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई थोड़ी भारी होनी चाहिए। उसमें इस 2 लीटर दूध को डालकर आधा रहने तक चलाते हुए पकाएंगे। आप इसमें थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं, यह ऑप्शनल है, और मिल्क मेड का भी यूज कर सकते हैं यदि आपको जल्दी से दूध गाढ़ा करना है। अब आप देख पा रहे होंगे मेरा ये दूध कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को बंद करके इसको हिलाते हुए बार बार हिलाते रहेंगे, इसको ठंडा करेंगे गुनगुना होने तक। दोस्तों, अब ये ठंडा हो गया है। इसमें हम लगभग 300 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी उससे थोड़ी ज़्यादा या कम भी पड़ सकती है, ये थोड़ी मीठी डिश होती है। और साथ में कुछ चिरौंजी के दाने और कसा हुआ नारियल भी आप डाल सकते हैं, यह ऑप्शनल है। अब हम एक पैन गरम करेंगे, घी लगाकर इन ब्रेड को इसमें तलेंगे। ये देखिए, मैंने इनको इस तरह से काट लिया है, आप जैसे चाहें वैसे इनको काट सकते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके बनाए हुए दूध में डाल देंगे। दोस्तों, हमारा मिल्क टोस्ट बनकर तैयार है, लेकिन ये ठंडा सर्व किया जाता है। इसको 2 से 4 घंटे अभी हम फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। अब मैंने मिल्क टोस्ट को फ्रिज से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर और स्वादिष्ट दिख रहा है। अब हम इसे पिस्ता से सजाकर सर्व करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मिल्क टोस्ट की रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।